हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी मास्टर्स क्रिमिनोलॉजी से करी है। अगर आपने एमएससी क्रिमिनोलॉजी करी है, अगर आपने एमए क्रिमिनोलॉजी की है एंड आप नेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट की एग्जामिनेशन होती है पीएचडी के लिए एंड आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर। आप किसी भी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर नेट, ठीक है। सो जो नेट की एग्जामिनेशन है, इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या, आपका अगर सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी है तो आपका पेपर 2 क्रिमिनोलॉजी होगा, ठीक है। एंड यहाँ से आपको 100 MCQs सॉल्व करने होते हैं एंड जो 50 MCQs होते हैं वो कॉमन पेपर के होते हैं, ठीक है। 50 MCQs कॉमन पेपर के आपको सॉल्व करने होते हैं एंड 100 MCQs आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सो कई सारे बच्चे क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट हैं, आप इन दोनों में ही नेट की एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जो क्रिमिनोलॉजी है इसका सब्जेक्ट कोड है 68, सो ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना पेपर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चन कॉमन होते हैं, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। सो 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से, सो इनमें भी 10 यूनिट्स होती है। तो पेपर वन कॉमन पेपर है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी की, सो पेपर 2 आपकी क्रिमिनोलॉजी होगी। पेपर 1 से 50 MCQ आएंगे, पेपर 2 से 100 MCQs आएंगे एंड इन दोनों में ही 10-10 यूनिट्स होंगी। आपको 10 यूनिट्स कंप्लीट करनी है, 10 यूनिट्स, ठीक है। एंड ये दोनों ही 10 यूनिट्स आपका कंप्लीट सिलेबस क्रिएट करता है। सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ कि अब क्रिमिनोलॉजी पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल ऐप पे। सो हमारे ऑफिशियल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। सो पेपर 1 एंड पेपर 2 सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा विथ वीडियो लेक्चर्स, विथ PDF स्टडी मटेरियल, विथ मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन। सो सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगी, ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारी ऐप के साथ कर सकते हैं एंड एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम भी कर सकते हैं। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, स्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपको क्रिमिनोलॉजी का कोर्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। So yes, go check that out and next let's just discuss the syllabus of paper 2. Paper 1 का syllabus भी मैं share कर दूँगी and paper 2 का syllabus भी मैं share कर दूँगी. Okay, so let's just see the syllabus once. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने ऑफिशियल नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से ये सिलेबस डाउनलोड किया है एंड दिस इज फॉर पेपर 2 जो कि है क्रिमिनोलॉजी। सो आपको यहाँ पे 10 यूनिट्स मिलेंगे। यूनिट 1 में आपका ओवरऑल इन जनरल क्राइम आपको पढ़ना है, क्राइम की डेफिनेशन, डेवलपमेंट एंड एरियाज अकॉर्डिंग टू क्राइम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम, ये सारा कुछ आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको क्रिमिनोलॉजी पढ़नी है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ना है एंड लॉ मेकिंग में क्रिमिनोलॉजी का रोल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो हिस्ट्री है क्रिमिनोलॉजी की, कैसे क्रिमिनोलॉजी डेवलप हुई। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है सोशल कंट्रोल्स एंड थ्योरीज, तो जितनी भी थ्योरीज हैं जो अभी तक पास से लेके प्रेजेंट तक में जितनी भी थ्योरीज क्रिमिनोलॉजी से या क्रिमिनोलॉजी को रिलेट करके दी गई है, वो सारी थ्योरीज आप यूनिट 4 में पढ़ोगे। यूनिट 5 में जितनी भी लीगल अप्रोचेस हैं, सो आप CRPC पढ़ोगे, आप IPC पढ़ोगे, आप FIR के बारे में पढ़ोगे, आप बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में पढ़ोगे, सो जितना भी लीगल एरिया है क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड आप यूनिट 5 में पढ़ोगे। देन वी हैव यूनिट 6, यूनिट 6 में आप क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्चेस के बारे में पढ़ोगे एंड जितनी भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है वो सारी की सारी हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे। यूनिट 7 में आप पिनोलॉजी पढ़ोगे, पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ोगे एंड करेक्शनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे। देन नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्रिजन सिस्टम, जो करेक्शनल होम्स होते हैं, जो प्रिजन सिस्टम होता है, जेल में रहने का तरीका, किस तरीके से हम उनकी सज़ा काउंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे।
यूनिट 9 में आपको जुवेनाइल एंड यूथ जस्टिस के बारे में पढ़ना है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, करेक्शनल होम्स के बारे में पढ़ना है, रिमांड होम्स के बारे में पढ़ना है, एंड जो भी एरिया रिलेटेड है आपके जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल प्रोसीडिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। यूनिट 10 में आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ना है ऑफ विक्टिमोलॉजी, एंड यू हैव टू कम्प्लीट द होल विक्टिमोलॉजी इन दिस यूनिट। सो टोटल 10 यूनिट्स है, सो 10 यूनिट्स फ्रॉम पेपर 1, 10 यूनिट्स फॉर पेपर 2, टोटल 20 यूनिट्स आपको कम्प्लीट करनी है, एंड यहाँ से ही आपको MCQs देखने को मिलेंगे। सो ये आपका सिलेबस है। ये जो सिलेबस है मैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू शेयर कर दूंगी। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, एंड जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो टेलीग्राम की लिंक है, इंस्टाग्राम की लिंक है, हमारे ऐप की लिंक है, हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट की लिंक है। तो आप किसी भी तरीके से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो। ओके फाइन, सो दिस इज अबाउट इट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी एंड हमारा कोर्स भी आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा।